या आपकी स्किन एज से पहले बहुत ज़्यादा सैगी हो गई है, यानी आपके दोनों गाल जो हैं वो लटकने लगे हैं, और आप धीरे धीरे आपने नोटिस करी होंगी कि आपके फेस पे फाइन लाइंस आने लगे हैं, यानी कि आपके फोरहेड पे लाइंस बनने लगा है, आपका स्माइल लाइन बनने लगा है। जब आप स्माइल करते हो तो आपके लिप के साइड में बहुत सारे रिंकल्स आने लगते हैं, आप हंसते हो तो आपके आँखों के नीचे रिंकल्स बनने लगते हैं, जो कि बहुत ही अजीब लगता है क्योंकि हमारी एज भी उतनी नहीं हुई है और हम जब हंसते हैं तो हमारे लाइंस बनने लगे हैं, क्योंकि हमारे फेस की इलास्टिसिटी जो है धीरे धीरे के एज के बाद कम होने लगती है, और हमारा सेल का जो टर्नओवर है, हमारे फेस के स्किन का जो बॉडी का जो टर्नओवर है, वो धीरे धीरे एज होने के बाद कम होने लगता है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, हम ऊपरी देखभाल कर सकते हैं, लाइक हम एक्सटर्नली कोई इसी तरह का प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। अगर हम कोई चीज अगर हम इंटरनली लेते हैं तो उसे वर्क करने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट एक्सटर्नली अगर कोई चीज हम फेस पे लगाकर मसाज करते हैं तो उसका रिजल्ट आपको 50-80% जरूर आपके स्किन में दिखेगा। तो गाइस चलिए इसी से रिलेटेड आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर के आई हूँ जो कि 100% वर्क करेगा, बट हाँ इसे आपको रेगुलरली यूज करना पड़ेगा। तो गाइस हाय, मेरा नाम है जेसी और मैं आज आ गई हूँ एक न्यू प्रोडक्ट के साथ। चलिए तो वीडियो को ज्यादा बातें ना करते हुए स्टार्ट करते। तो गाइस आप देख सकते हैं आप लोगों के इतने भड़बड़ के कमेंट आते रहते हैं कि मैम फाइन लाइंस के लिए, रिंकल्स के लिए स्किन बहुत ज्यादा लूज हो रही है फेस की, चेहरे की, मैं एज से पहले बहुत ज्यादा एजेड लगने लगी हूँ, या मेरे फेस पे बहुत ज्यादा पोर्स की प्रॉब्लम आ रही है। तो अब क्या करें, पोर्स को कैसे हम देखें, पोर्स का परमानेंटली कोई ट्रीटमेंट तो नहीं है कि परमानेंटली वो एकदम ठीक हो जाएगा, बट आप उसको थोड़ा सा पोर्स के साइज को आप कम कर सकते हो ऑफकोर्स, जिससे कि आपकी स्किन फिर भी हेल्दी लगेगी। तो आज की ये वीडियो है, तो आज मैं जो क्रीम लेकर के आई हूँ ये है 7 डेज ऑर्गेनिक का फेस टाइटनिंग क्रीम, जो कि ओनली फेस पे नहीं बॉडी के उन सारे पार्ट पे आप यूज कर सकते हैं जहाँ की आपकी स्किन लूज हो गई है, यानी कि अगर आप ने जिम करा है या फिर आप जिम करते हो या आप डाइटिंग करते हो। बहुत सारी महिलाएं हैं जो प्रेगनेंसी के बाद फील करती हैं कि उनका जो स्टोमक एरिया है काफी ज्यादा लूज हो गया, पेट की चर्बी या फिर पेट कह सकते हैं काफी लटकी लटकी सी रहती है, लूज हो जाती है, तो उसे कैसे ठीक किया जाए। थोड़ा बहुत भी अगर टाइट इनफ हो जाएगा तो भी स्किन जो है थोड़ा अच्छा लगेगा। तो आप ये 7 डेज ऑर्गेनिक का स्किन टाइटनिंग क्रीम जो है आप देख रहे हो मेरे हाथों में, गाइस इसका ट्रायल मैं अपनी मम्मी के ऊपर कर रही हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी का जो एज है 40 क्रॉस कर चुका है। अगर आपकी एज 30 क्रॉस कर चुकी है या आपकी एज 20 क्रॉस कर चुकी है, थोड़ा आपकी स्किन लूज हो रही है, तो बेशक ये वाली क्रीम मैं आपको दिखा रही हूँ, ये 7 डेज ऑर्गेनिक। और मैं बता दूं इसे यूज करने में कोई भी डर नहीं है, बिकॉज ये 100% ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है और ये नॉन कम्बोडोजेनिक प्रोडक्ट है, ये आपके पोर्स को क्लॉक नहीं करेगा बिल्कुल भी। प्लस ये जो प्रोडक्ट है पैराबेन सल्फेट हार्मफुल केमिकल फ्री है, प्लस ये नेचुरल इंग्रेडिएंट से ही बने हुए हैं और आप इसे रेगुलरली यूज कर सकते हैं। तो गाइस इसको कैसे यूज करना है मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले चलिए इसके इंग्रेडिएंट की बात कर लेते हैं कि ये कौन सी ऐसे इसके अंदर ऐसे इंग्रेडिएंट है, नेचुरल इंग्रेडिएंट है जो आपको हेल्प करता है आपके स्किन को टाइटन अप करने में, यानी कि लूज स्किन को टाइट करने में हेल्प करता है। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर एलोवेरा है, तो एलोवेरा में एक एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज होती है जो कि आपके स्किन को सूथ करता है, आपके रेडनेस को, ईचिंग को जो है रिलीफ प्रोवाइड करता है, प्लस आपके कॉमन स्किन के प्रॉब्लम को ठीक करने में हेल्प। और ये क्रीम आपके स्किन को फर्म करता है, ग्लोइंग बनाता है, आपके स्किन को स्मूथ करता है। और इसमें सेकंड जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है बर्गमेट ऑयल, जो कि बहुत ही अच्छा इंग्रेडिएंट माना जाता है। वो बर्गमेट ऑयल में एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज होती है जो कि फाइट करता है आपके एक्ने, आपके स्किन को सूद करने में, आप जो एक्ने पिंपल्स वाली पेन होती है, पिंपल्स होने के बाद जो आपके स्किन में पेन होता है इसको ये प्रिवेंट करता है। प्लस अगर आपके नोज एरिया में ओपन पोर्स है उसमें बहुत ज्यादा ब्लैक हेंड्स है, व्हाइट हेंड्स है, तो उसे भी ये ठीक करने में हेल्प करता है। तो गाइस थर्ड नंबर इसमें मैं बता दूं सैंडलवुड है, यानी कि चंदन। चंदन कितने उपकारी होते हैं आपको पता ही है, चंदन की लकड़ी। सैंडलवुड जो है वो डिस्करेज करता है आपके ग्रोथ ऑफ फेशियल हेयर, यानी कि अगर आपके फेस पे बहुत ज्यादा फेशियल हेयर है तो उसको भी डिस्करेज करता है, यानी कि कम करता है, एंड प्रिवेंट
हाइड्रेट करता है आपके स्किन के ऑयल को, यानी कि इसकी चंदन की जो गूड़ी होती है यानी कि जो पाउडर होता है उसे अगर आप ऐसे भी नेचुरली फेस पे लगाते हो तो ये आपके एक्सेस ऑयल को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। प्लस फाइट करता है आपके फेस पे एक्ने, पिंपल्स एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन स्किन में होती है, तो उसके लिए बहुत ही पावरफुल एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज चंदन में पाई जाती है। तो थर्ड नंबर जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपको पता ही है, अगर आप 30 क्रॉस कर चुके हैं या अब अगर आप उस एज में आप जा रहे हो जहाँ पे आपकी स्किन धीरे धीरे अब जो है आपको लगता है लूज हो रही है, तो वाइटामिन ई जो है बहुत ही अच्छा पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो कि आपके स्किन को सूद करता है। आपके स्किन में अगर सन डैमेज हुई है यानी कि अगर आप सन लाइट में जाते हो, और आप जानते हो सन टैन से स्किन को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है क्योंकि उससे आपके स्किन पे एज से पहले ही फाइन लाइंस, रिंकल्स, सैगीनेस स्किन में आने लगती है, स्किन डल हो जाती है, तो वाइटामिन ई इसे रिपेयर करने में हेल्प करता है, स्किन को नरिश करता है, प्रोटेक्ट करता है, फ्री रेडिकल डैमेज से भी आपके स्किन को बचाता है। तो मैं बता दूं ये क्रीम क्या क्या करेगी, तो गाइस मैं बता दूं ये सपोर्ट करेगी आपके स्किन के हाइड्रेशन सिस्टम को, यानी आपके स्किन को नरिश करेगी, कंडीशनिंग करेगी, उसके बाद आपके डर्मल मैट्रिक्स में जाके ये हेल्प करेगा आपके न्यू सेल्स को टर्नओवर करने में, आपके लाइंस की प्रॉब्लम्स को, अगर आपके फेस पे स्माइल लाइन है, एक्सप्रेशन लाइंस है, जैसे आप किसी तरह से किसी से बातें करते हैं आपके फेस पे एक्सप्रेशन पड़ने पे आप देखोगे हर जगह लाइन लाइन बन जाती है, तो वो चीजों पे भी ये हाइड्रेटिंग क्रीम है, तो उसे भी ये फील करने में हेल्प करेगा, प्लस आपके स्किन की इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करेगा एक्सटर्नली। तो मैंने आपको सारी चीजें बता दी, प्लस आपके स्किन के कॉम्प्लेक्शन को ब्राइटन अप करेगा ये क्रीम, इम्प्रूव करेगा आपके स्किन टेक्सचर को, प्लस आपके पोर्स को, आपके ओपन पोर्स को श्रिंक करने में हेल्प करेगा, रिपेयर करेगा आपके स्किन को, नरिश करता है ये आपके स्किन को, साइंस ऑफ एजिंग वाली प्रॉब्लम को डिले करता है। तो चलिए अब बात कर लेते इस क्रीम को आपको कैसे यूज करना है। तो इस क्रीम को आप डे एंड नाइट में कभी भी यूज कर सकते हैं, अगर दो टाइम यूज करेंगे तो रिजल्ट काफी फास्ट मिलेगा आपको और काफी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो कैसे इसको यूज करना है मैं आपको बता देती हूँ, मेरी मॉम जैसे यूज करती है क्योंकि मॉम को मैंने गाइड करा है। जितनी भी क्रीम की आपको जरूरत है उतनी सफिशियंट अमाउंट आप अपने हैंड पे प्लम पे ले ले, हाथों में जिस तरह से मैं ले रही हूँ। लेने के बाद ये फेस टाइटनिंग क्रीम को आपको अगर बेली में यूज करना है, आपने जिम करिए लूज हो गया, हाथों की स्किन लूज हो गई है, या फिर चेहरा तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो आप उसको इवनली अपने ऑल ओवर फेस पे, नेक पे, अगर आपकी डबल चिन की प्रॉब्लम है, लटक रही है, तो आप वहां पे आराम से लगा के जेंटली आपको मसाज करनी है, ताकि ये जो क्रीम है इतना पावरफुल क्रीम है ये आपके स्किन के एकदम डीप अंदर में एब्जॉर्ब हो जाए, कम्प्लीटली अच्छी तरीके से जाए और ये अपना वर्क करे ओवरनाइट, या फिर आप डे में यूज करते हो तो डे में। उसके बाद अपने फेस को डे में अगेन आपको फेस वॉश कर लेनी है, उसके बाद फेस वॉश करने के बाद अगेन इस क्रीम को आप यूज कर सकते हैं। तो गाइस ऐसे ये 100 ml की क्रीम है जो कि काफी अच्छा टाइम तक चल जाता है, और इसका प्राइस जो है यहाँ पे मेंशन किया हुआ है वो है 599 रुपीस, बट आपको ये Amazon और Flipkart पे अभी काफी परसेंटेज ऑफ में ये क्रीम आपको कम प्राइस में मिल जाएगा। तो आप इस क्रीम को बेशक परचेज करके यूज करके देख सकते हैं, इसका रिजल्ट काफी अच्छा है, और इसका लिंक जो है ना परचेजिंग लिंक वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से आराम से चेकआउट कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर लगी है तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने फैमिली का और अपने स्किन का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। बाय बाय।